नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके। हर बार के लेखा ए बार भी ले आयल बानी भोजपुरी दुनिया और फिल्म से जुड़ल हर तमाम खबर के जो जनला का बाद रउआ सबके बहुत खुशी होगी। तो चली बढ़ल जाओ और जान लेवल जाओ पहला खबर जो जुड़ल बाटे खेसारी के बेटा से। हाल ही में खेसारी के बेटा के मुंडन भइल बा, काफी सारा तस्वीर रउआ सब देखले होखम। खेसारी के पत्नी मन्नत मनले रही कि बेटा ऋषभ के केहू धार्मिक स्थल पर बाल कटवावे के, त खेसारी एही मन्नत के पूरा करे खातिर पहुंचल रहे रजरप्पा तीर्थ स्थल अपन पूरा परिवार का साथे। एही दौरान उ दबंग सरकार के शूटिंग करत रहले हां आ बीच में दबंग सरकार के शूटिंग छोड़ के सीधे रजरप्पा पहुंचले। त छोड़ के आयल रहले तो देख लीहल जाओ खेसारी के बेटा के मुंडन से जुड़ल ई खबर। भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कल बुधवार को रांची में अपने छोटे बेटे ऋषभ के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। खेसारी लाल यादव अपने इस पारिवारिक कार्यक्रम में सी व्यू फिल्म्स और क्रिएटर्स लैब के बैनर तले बन रही भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग छोड़कर पहुंचे थे, जो इन दिनों योगेश मिश्रा के निर्देशन में यूपी के उन्नाव में चल रही है। बता दें कि उनका बेटा ऋषभ अभी 2.5 साल का है। मुंडन संस्कार के लिए खेसारी लाल की पत्नी और ऋषभ की मम्मी ने मन्नत मांगी थी। इस मौके पर खेसारी लाल ने बताया कि हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है मुंडन संस्कार। शिशु जब जन्म लेता है तब उसके सिर पर गर्भ के समय से ही कुछ बाल होते हैं जिन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। शास्त्रों का मत है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य। सब कुछ अच्छा से हो गई ए दौरान मीडिया वालों से रूबरू होत खानी खेसारी काफी सारा बात भी बताई लें। तो बढ़ल जाओ आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे भोजपुरी या बॉलीवुड के खलनायक लोग से। भोजपुरी या बॉलीवुड फिल्म के सब खलनायक लोग रउआ सबके एक फिल्म में नजर आई जेकर नाम बटे फिल्म के हल्फा मचा के गए। ए फिल्म में बहुत सारा हिंदी के कलाकार लोग जो हिंदी सीरियलों में काम कैले बा आ काफ़ी सारा कलाकार भोजपुरी से भी नजर आए लोग जेकर शूटिंग बहुत धूमधाम से हो रहा बा। तो जब सब स्टार लोग पहुँचल लोग एक ही जगह पर फिल्म के सेट पर तक्का धमाका भइल कैसे शूटिंग भइल एकर वीडियो हम रउआ सब खातिर ले आइल बानी देखी। इन दिनों बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों ने भोजपुरी में काम करने की तैयारी शुरू कर ली है, तो वहीं कई सारे कलाकारों की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो तब हुई जब बॉलीवुड समेत भोजपुरी के सारे खलनायकों ने एकजुट होकर एक फिल्म की शूटिंग की। जी हाँ, वो खलनायक जिनके साथ 19वीं सदी से आज तक बॉलीवुड संभलती आई है, सबने मिलकर अब भोजपुरी में काम करने का मन बना लिया है। और हाल ही में ये सारे खलनायक एक ही सेट पर शूटिंग करते हुए दिखाई दिए भोजपुरी फिल्म हल्फा मचा के गैल के सेट पर। जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड के 19वीं सदी के खलनायक रजा मुराद, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, सुनील पाल कॉमेडियन, एहसान कुरैशी तो संभावना सेठ, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी से अवधेश मिश्रा और मनोज टाइगर समेत कई सारे कलाकार नजर आए। बता दें कि इस फिल्म में गोविंदा भी पहली बार भोजपुरी में काम करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही हिंदी धारावाहिक के अलावा हिंदी फिल्मों से जुड़े कई सारे छोटे चेहरे भी दिखाई दिए। वीडियो में देख ही पा रही होंगे आप सब कि कैसे ये सारे कलाकार एकजुट होकर अपनी फिल्म की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो शूटिंग इतना जोर शोर से चल रहा बा तो उम्मीद बाटे जल्दी फिल्म रिलीज हो जाए हल्फा मचा के गल। लेकिन फिलहाल अभी फिल्म के बहुत सारा काम बाटे, कहे कि जब शूटिंगे होता अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन से लेके तमाम काम बचले बाटे जो आगे चल के हुई तो हो सका था अगला साल फिल्म रिलीज हो को। लेकिन फिलहाल बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर। बीतल दिन यानी कल है 22 फरवरी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर बहुत खास दिन रहे आ यही दिन से शुरुआत आगाज भइल रहे भोजपुरी सिनेमा के फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई बो से।
इतना पारिवारिक फिल्म रौलक है कि आज तक ऐसा फिल्म देखे के ना मिलल। देखी आज के दिने भोजपुरी फिल्म जगत के संगे संगे सब भोजपुरी भाषी लोगन खाती भी बहुत खास दिन बा। कहे कि आज के तारीख 22 फरवरी 1963 में पहिलका भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो रिलीज भइल रहे। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो एगो भोजपुरी फिल्म बाटे जवन फरवरी 22, 1963 में वीना सिनेमा पटना में रिलीज भइल। ए फिल्म के निर्माता रहनी विश्वनाथ प्रसाद जी आ निर्देशक रहनी कुंदन कुमार जी। ए फिल्म में अभिनय कैल रहे लोग कुमकुम, नाजीर हुसैन, असीम कुमार, रामायण तिवारी, हेलेन, पद्मा खन्ना और सुजीत कुमार। ए फिल्म के कुल लागत रहे 15 लाख रुपया जबकि ये फिल्म लगभग 50 लाख के कारोबार कैले रहे। ए फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के आयोजन फिल्म के रिलीज के पहले कैल गैल सदाकत आश्रम में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खातिर। फिल्म के बनवावे में श्री राजेंद्र प्रसाद जी के भी योगदान रहे। 1950 में मुंबई में भयल एगो सम्मान समारोह में नाजीर हुसैन जी के मुलाकात राजेंद्र प्रसाद जी से भयल। आपसी बतकही के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी नाजीर हुसैन जी से पूछले, रउआ भोजपुरी में फिल्म काहे नहीं की बनावत। बस फेर का रहे, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो के कहानी पहले ही से लिखा गयल रहे, टाइटल बनावल गयल आ नाजीर हुसैन जी बिहार के जानल मानल उद्योगपति विश्वनाथ शाहबाद जी का साथे से ए फिल्म के निर्माण कार्य शुरू कैनी। समस्त भोजपुरी भाषी लोगन के आज के विशेष दिन के महत्व याद कई के भोजपुरी के महत्व समझे के चाही। तो भोजपुरी के तमाम फिल्म के दूसर तीसर पार्ट बना था एहू फिल्म के बनावे के चाही, कहे के बहुत शानदार फिल्म रहे ओ घरिया के। अभी यूट्यूब पर वो सब सर्च करके ये फिल्म के देख सकीले। बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया सिनेमा, ब्लैक एंड व्हाइट रहे लेकिन रंगीन मिजाज के रहे जो दर्शक लोग का दिल में अपन जगह बनौलस। तो बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर, होली आवे वाला बा, सब कोई खातिर तैयारी में आम लोग जुट चुकल बा। तो वहाँ भी सुबह शर्मा के प्री होली सेलिब्रेशन भइल बाटे। जी हाँ, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले रही हाले में कि जो भी उनकर फैन लोग रहे परेशान करत रहे ओकरा के लेके वो बहुत सारा सफाई बयान देले बड़ी, लेकिन साथे में एगो और वीडियो देखे के मिलल बा जेमें वो होली के सेलिब्रेट कर रहल बड़ी आ होली के सेलिब्रेट करके अमिताभ बच्चन के गाना पर डांस करत नजर अली, जेकर वीडियो हम रउआ सब खातिर ले आइल बनी। देखी आने वाला है होली का त्योहार, हर बार की तरह इस बार भी फिल्मी सितारे हैं रंगों की तरह छा जाने को तैयार। होली के कुछ दिन पहले ही होगा होली सम्मेलन जहां शामिल होंगे ढेर सारे सितारे और होगी ढेर सारी मस्ती और धमाल जिसे देखने का रहेगा सभी को इंतजार। लेकिन फिलहाल आप सब देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री की चंचल चुलबुली एक्ट्रेस सुभि शर्मा का ये प्री होली सेलिब्रेशन जो उन्होंने अपने अंदाज में मनाया है डांस करके, गाकर और दर्शकों को ढेर सारी बधाइयां देकर। हैप्पी होली, सभी को प्रणाम। और मैं चाह रही हूँ होली का त्यौहार एक ऐसा रंगों का त्यौहार है तो सुभि शर्मा की ओर से सभी को हैप्पी होली। इस दिन सबके रंग लगाओ, मिठाई खाइए, स्वीट्स खाइए, दुश्मनी भुलाइए और प्यार में रंग जाइए। सुभि जी, होली सब मनाते हैं, बचपन में हम भी मनाते थे, अब आप फिल्म इंडस्ट्री में व्यस्त हो गए हो, अब सुभि शर्मा होली कैसे मनाती हैं? अभी तो अधिकतर शूटिंग के ऊपर ही होता है होली मेरा हमेशा। अधिकतर जो मैंने देखा था पिछली बार मैं रामनाथन के सेट पे थी तो वहाँ पे होली हुआ था, तो होली इस बार भी बॉर्डर के सेट पे मैं हूँ तब होली है। तो अधिकतर 3-4 सालों से तो जब भी होली आती है तब कुछ ना कुछ शूटिंग होती है और उसमें मस्ती मजाक रंग वंग गुलाल सब लोग बोलते नहीं यार शूटिंग का कॉस्ट्यूम, शाम को होली खेलेंगे, शाम को होली खेलेंगे। और फाइनली शूट खत्म होने के बाद सब आर्टिस्ट होली खेलते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं। बट घर वालों को मैं बहुत मिस करती हूँ होली के टाइम पे, मगर ठीक है, यूनिट में परिवार ही होता है तो मजा मस्ती बहुत चलती है।
तो सुबह तो होली सेलिब्रेट कर ले ली, लेकिन बाकी लोग के इंतजार बाटे, दर्शक लोग के वीडियो देखे के मने बॉलीवुड में रहो सब देख ले होके कि हमेशा होली से एक दो दिन पहले होली सम्मेलन होखेला, जहाँ सारा कलाकार लोग आवेला, रंग गुलाल खेलेला, जे प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बना के भी रहो सब टीवी पे देख ले होके बॉलीवुड स्टार लोग के, लेकिन भोजपुरी में बहुत कम देख ले बने लोग। भोजपुरी में एक दूसरा के ऐसे ही सेट पर गुलाल लगा के सिंपल तरीके से बना देवल जाला होली। तो ए बार इंतजार रही भोजपुरी में, जब बदलाव भइल बाटे इतना तो हो सका था कि वो लोग होली के ऐसा कोनो प्रोग्राम करो, अगर होई तो लोग के इंतजार रही स्टार लोग के वीडियो देखे के। तो चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले बताई ले मैसेज जो भेजले बड़े पवन सिंह। ये पवन सिंह हीरो नहीं खन, ये पवन सिंह फैन बड़े, जे पवन सिंह के नाम पे आईडी बनवले बड़े। आई लिखा तारे, हिट बा खेसारी चांदनी के जोड़ी और कल्लू चांदनी जी, आप बहुत अच्छा काम करते हो, गंदा काम नहीं करती हो, आई लव यू। तो अगर सुन रहल बड़ी चांदनी तो गौर जरूर फरमाए मैसेज करे खातिर। पवन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। चले के समय हो चुकल बा, जाए से पहले कहल चाहेम कि नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल मत भूलेम, लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही। एगो खास अच्छा मैसेज जरूर करेम ताकि अगले एपिसोड में हम राउर मैसेज ले सके, लेकिन तब तक खातिर दी ही इजाजत। प्रणाम।